रहमान रहीम, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द लॉ ऑफ मैस सेक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मैस सेक्शन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और लॉ ऑफ मैस सेक्शन जो है ये क्या चीज़ है? द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस। पहला पोर्शन है इस पार्ट का कि जब भी कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वो कितने टाइम में कितनी रिएक्शन देता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स एक्टिव मैस। अब देखें, कुछ रिएक्शन हमारे पास ऐसे भी हो सकती हैं जिसमें मोर देन वन रिएक्टेंट्स हों, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। सपोज कि पहला केस जो था, हमने कहा कि एक ए रिएक्टेंट है, ठीक है, और वो कन्वर्ट होता है इनटू बी प्रोडक्ट के अंदर, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टेंट ए इसके, यानी कि जो है ना वो एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन अगर ये तो है एग्जांपल नंबर वन, लेकिन अगर हम टू एग्जांपल को देखें तो उस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, एग्जांपल नंबर टू के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ है कि भाई एक ए है रिएक्टेंट प्लस बी है रिएक्टेंट और ये कन्वर्ट हो रहे हैं सी प्लस डी के अंदर, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? वो कहता है कि रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी इन दो के एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अब एक्टिव मैस की टर्म क्या होती है? एक्टिव मैस का मतलब ये होता है, सपोज मैं कहूँ कि आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है, ए, और 100 हैं जनाब बी के, तो हम कहते हैं कि 100 में से ये 100 और ये 100 कभी भी दोनों एक साथ रिएक्ट नहीं करते। इंस्टेड क्या होता है, बल्कि ये होता है इनका आपस में कि भाई इसमें से हो सकता है 70 मॉलिक्यूल्स वो रिएक्ट करें और इधर में से भी क्या हो जनाब आपके पास 70 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें। तो अब भाई टोटल कंसंट्रेशन तो दोनों की, बोथ की, ए प्लस बी दोनों की क्या थी? 100 100 थी मॉलिक्यूल्स। इंस्टेड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितनों ने किया जनाब? 70 70 ने। तो हम कहेंगे कि ये वो मैस होगा, इन 70 मॉलिक्यूल्स के मैस को हम कह रहे हैं ये एक्टिव मैस है, ठीक है ना, ये वो मैस है जो असल पार्टिसिपेट कर रहा होगा रिएक्टेंट्स में। तो ये होता है बेसिकली, ये है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ मैस सेक्शन। और लॉ ऑफ मैस सेक्शन आपको ये भी पता हो कि ये जो है ना, ये केमिकली इक्विलिब्रियम की जो होते हैं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है कि इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है जनाब, कि केमिकली दो चीज़ें रिएक्ट करके जनाब कोई थर्ड चीज़ बना रही हो तो जो प्रोडक्ट बनेंगे ना सी ओ डी, ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स दोबारा कन्वर्ट हो इनटू रिएक्टेंट्स में, तो एज अ रिजल्ट ये हमारे पास इस तरह से रिएक्शन आ जाता है ए प्लस बी, ठीक है, ये हाफ रिएक्शन फॉरवर्ड के साथ और हाफ रिवर्स के साथ, फिर सी प्लस डी हम यूँ लिख लेते होते हैं, सही हो गया। यानी कि हाफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो उसमें जो रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो रिएक्शन ऑफ द ये रेट के एफ उसको लिख लेते हैं और रेट फॉर द रिवर्स सेक्शन को के आर लिख लेते हैं। फॉरवर्ड गोइंग रिएक्शन का रेट जो है ना ए और बी दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीपल के डायरेक्टली रिएक्शन होगा, और जो रिवर्स होगा उसमें सी और डी का, यानी कि इस और इसका जो है ना ये आपस में कितना इनके एक्टिव मैसेज हैं जो रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट्स के अंदर अगेन सी ए और बी बना रहे हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक बेसिक अजम्पशन थी, या बेसिक एक तरह से हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मैस सेक्शन की एक यानी कि स्टेटमेंट सी थी जिसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब लॉ ऑफ मैस सेक्शन कैसे यूज़ होता है टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम थोरली नेक्स्ट जो है ना वो स्टडी करते हैं। सपोज दैट कि अब हम आ जाते हैं जनाब कि एक जनरल रिएक्शन है आपके पास, ए रिएक्ट्स विद द बी, ठीक है, एंड चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स सी एंड प्लस द डी, ये है रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ लिख लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसको हमें लिख लेते हैं के आर, रेट फॉर द रिवर्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस सेक्शन, ठीक है, रेट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी। लेकिन यहाँ पर हमने एक्टिव मैस भी नहीं लिया, अभी हम जनरली लिख रहे हैं कि भाई अगर कंसंट्रेशन इतनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो ये एज सच पहले कंसंट्रेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद की टर्म जो है ना वो हम निकालेंगे एक्टिव मैस से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम जो है ना रेट को, इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू के फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन करें, और यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द साथ में बी आ जाएगा, क्लियर है। और इसको इक्वेशन नंबर हमें वन कह देता हूँ, ठीक है। सपोज
अब भी रेट जब हम कहते हैं कि ए और बी ने आपस में रिएक्ट किया और उन्होंने प्रोडक्ट सी और डी बनाया, तो लाजमी सी बात है ना कि सी और डी भी आपस में रिएक्ट करके कुछ देर के बाद क्या करेंगे जनाब, कि वो ए और बी रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे और इन दोनों का रेट जब इक्वल होगा तो हम कहेंगे वो क्या होगा कि कंडीशन वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो रिवर्स के लिए हम यूँ लिख सकते हैं कि रेट फॉर द रिवर्स रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ द सी एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द डी, ये तो करेंगे। और हम यूँ कह सकते हैं कि जनाब रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन विल बी इक्वल टू के रिवर्स आ जाएगा, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि इस इक्वेशन को सपोज मैं कहता हूँ कि इक्वेशन नंबर टू दे देती हैं, तो ये वन एंड टू इक्वेशंस, दिस बोथ इक्वेशन विल बी इक्वल टू ईच अदर एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट फॉर द रिवर्स रिएक्शन बोथ विल बी इक्वल एट द टाइम ऑफ द इक्विलिब्रियम। सो मैं लिखता हूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होती है, तो एट इक्विलिब्रियम इसको लिख लेते हैं हम, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये है आपके पास कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, सॉरी रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन है जनाब ये, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ रेट फॉरवर्ड एंड रेट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, तो इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो वो क्या आएगा भाई आपके पास, रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के एफ आ जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा जनाब कंसनट्रेशन ऑफ द ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी। नेक्स्ट आ जाता है विल बी इक्वल टू रेट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, यहाँ पर आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ द सी एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द डी आ जाएगा, ठीक हो गया, इसकी इक्वल आ जाएगा। अब भैया यहाँ पर एक कन्वेंशन है और वो कन्वेंशन कौन सी है, कन्वेंशन कुछ इस तरह से है कि भाई आपके पास जो रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, उसको हम हमेशा क्या करेंगे ऊपर रखेंगे, और रेट फॉर द रिवर्स रिएक्शन जो होगा उसको हम क्या करेंगे जनाब नीचे रखेंगे, ठीक है। तो हम नीचे रखने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है ना कि भाई हम पहले ये जो रिवर्स रिएक्शन में पड़ा हुआ है इसको इधर के रेट के ले आएँ, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई के रिवर्स आ जाएगा, और इट विल बी इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कंसनट्रेशन ऑफ द नीचे आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक हो गया। तो भाई यहाँ पर एक कन्वेंशन ये है कि कंसनट्रेशन ऑफ द जो प्रोडक्ट्स है आपके पास ये चीज़, इसको हम एक कन्वेंशनली यानी कि जो एक रवायत चली आ रही है वो ये है कि हम इसको पहले लिखते हैं ऊपर लिखते होते हैं यानी कि न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है इसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब भाई जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है कि रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन के और रेट फॉर द रिवर्स रिएक्शन ये बोथ बिकम्स इक्वल टू के सी, हम एक नया कॉन्स्टेंट लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, जिस पर जो है रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज़ द रेशियो बिटवीन द रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन गोइंग रिएक्शन एंड द रेट फॉर द बैकवर्ड गोइंग रिएक्शंस, ठीक हो गया, और इट विल बी इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये हो जाएगा, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा अब हम ये कहते हैं कि भाई के सी जो होता है ना के सी, इधर हमने लिख दिया कि ये कंसनट्रेशन ऑफ द है प्रोडक्ट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट्स हो गया, और इसके बाद कंसनट्रेशन ऑफ द इधर मैं लिख लेता हूँ कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब देखिए ना अगर हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स सी कॉमा डी जो थे अगर ये तो हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स यानी कि ए और कॉमा बी की नस्बत एट इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ए और बी आपस में मिले हैं और इनके मिलने से आपके पास सी और डी जो है ना ये चीज़ दोनों चीज़ें आपस में ज़्यादा बनी हैं, तो उस टाइम पर हमारे पास के सी विल बी ग्रेटर देन वन आएगा, हमेशा वन से ग्रेटर होगा। क्यों भला, देखो मैं यूँ कहता हूँ कि जैसे कि ऊपर वाली चीज़ें अगर ज़्यादा हो गई हैं, सपोज़ मैं कहता हूँ ऊपर 10 है और नीचे डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है, नीचे की क्वांटिटी जो है ना वो कम आ जाती है सपोज़, तो उस केस में क्या आएगा भाई, आंसर 5 इक्वल टू आ रहा है, इट मीन्स कि भाई आपके पास 1 से तो ग्रेटर हो गई ना। हाँ भाई इसीलिए सी ओ डी अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनते हैं तो आपके पास के सी विल बी ग्रेटर देन 1 एंड के सी विल बी लेस देन 1, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास रिएक्शन जो होगा ये जब होगी कंडीशन के लेस देन 1 हो जाएगा, तो उस टाइम रिएक्शन जो होगा उसमें रिएक्टेंट्स वो तो हैं रिएक्टेंट्स मोर ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं लेस हैं,
अब यानी कि ये कंडीशन होगी, रिएक्शन मजीद फॉरवर्ड की तरफ अभी चलना होगा, और के सी विल बी इक्वल टू, अगर आ जाता है आपके पास ज़ीरो के, ओ सॉरी हाँ ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है, और सॉरी इक्वल टू वन आ जाएगा, ज़ीरो टू नहीं इक्वल टू वन आएगा, तो उसमें हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है रिएक्शन आपके पास, ठीक हो गया। ये एक बेसिकली और एक कंडीशंस थी। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हम अब ये देखते हैं कि मोर जनरल फॉर्म लॉ ऑफ मैसेक्शन की कैसे हो सकती है। देखिए ना, अब मैं सपोज कहता हूँ कि भाई आपके पास एच टू है प्लस ओ टू, ठीक है, और ये जनाब आपके पास सपोज कह रहा हूँ कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ ये क्या करते हैं टू एच टू ओ टू, इस तरह से बैलेंस होती है इक्वेशन। अब इसमें आप देख रहे हैं तो ये जनाब इसको कोफिशेंट टू लिखा हुआ है, इसका भी कोफिशेंट टू लिखा हुआ है, इसको कोफिशेंट वन है। जब हम ए और बी की बात करते थे ना, तो उस टाइम हमारे पास सारों के कोफिशेंट्स वन थे सारे, यानी कि सिंगल कोफिशेंट हम लिखते थे। तो अब वो कहता है कि अगर जनरल प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो इस तरह से केस आ सकता है ना भाई कि आपके पास कोफिशेंट्स आए पड़े हैं, तो उस केस में लॉ ऑफ मैसेक्शन क्या कहता है, तो उस टाइम जो रेट जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा उसको हम यूँ लिखेंगे कि जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन होगा ना, उसके लिए हम यूँ लिखेंगे कि रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एक्टिव मैसेज ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, और यानी कि मैं यूँ कहूँ कि इधर एच टू लिखा हुआ है ना, तो एच टू और उसकी पावर क्या हो जाएगी भाई, अब चूँकि इसका कोफिशेंट है तो उसको हम रेज कर देंगे, टू लिख देंगे, ठीक है, और साथ में क्या करेंगे ओ टू, और इसकी चूँकि कोई पावर नहीं है वन है तो ऐसा टू लिखेंगे, तो रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू के फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके पास एच टू, ठीक है, और उसके बाद जनाब इसका स्केयर, और इधर जनाब ओ टू और उसका स्केयर, उसका वैसे ही कुछ भी नहीं आएगा, और इसको हम लिखेंगे इक्वेशन ये वन है, सही हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि फॉर रेट फॉर द रिवर्स रिएक्शन जो होगा विल बी इक्वल टू, वो हमारे पास क्या होगा कि टू वो होगा के आर, ठीक है, और इधर आ जाएगा एच टू ओ और इसका स्केयर आ जाएगा, इज इट क्लियर। अब ये जो स्केयर आएगा ना, तो अब हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बोथ विल बी इक्वल, देयर फोर हम लिख सकते हैं कि के सी जो है ना वो इस केस में किसकी इक्वल आएगा भाई, के सी जो है ना वो इस तरह से आएगा आपके पास के रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे एक लेफ्ट साइड पर, और वो जब हम उसको इक्वलाइज करते हैं तो हमारे पास हमने कहा था ना कि यूँ रखेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट्स अबव आएंगे, तो प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास एच टू ओ है, तो एच टू ओ है इसकी पावर स्केयर और साथ लिख देते हैं, और एच टू जो है इसको जो है हम इधर स्केयर ले देते हैं, और साथ में ओ इस तरह से ओ टू की शक्ल में आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। तो ये वो कंडीशंस है जिसके ज़रिए से हम कहते हैं कि ये जब हमारे पास कोफिशेंट्स आ जाते हैं यहाँ पर भी, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे, तो उन्हीं कोफिशेंट्स को हम पावर्स रेज कर देते हैं इन द रेट इक्वेशन, इज़ इट क्लियर सर। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने ये भी कहा था कि भाई आपके पास ये जो लॉ ऑफ मैसेक्शन है वो इस तरह से है कि हमने कहा था कि वो एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स और ऑफ द प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर तो हम कंप्लीट कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ कि भाई मैंने किसी चीज़ का वन मोलर सोल्यूशन बना डाला, ठीक है, कितना जनाब वन मोलर सोल्यूशन बनाया, इट मीन्स कि उसके पास 6.02, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 10^23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे भाई, ठीक है, ये तो अब सारे के सारे तो रिएक्ट नहीं करते ना, उसमें से सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन रिएक्ट करेगा, हो सकता है इसके आधे मालिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लें, तो वो एक्टिव मैस की जो टर्म वो यूज़ करता था, बेसिकली लॉ ऑफ मैस सेक्शन में जो एक्टिव मैस की टर्म यूज़ की गई वो हमें यही बताती है कि नॉट 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मालिक्यूल्स विल गोइंग टू रिएक्ट हियर, इंस्टेड ओनली अ फ्यू मालिक्यूल्स विच आर अंडर गोइंग द इफेक्टिव कोलिजन्स विल रिएक्ट, ठीक है ना, वही रिएक्ट करेंगे जो इफेक्टिव कोलिजन्स करेंगे, वही जो करेंगे जो इनका एक्टिव मैस होगा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिएक्शन में, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई उसमें तो फिर ये सारी कंसंट्रेशन तो नहीं आती ना, फिर उसके लिए हमारे पास एक जनरल सी टर्म आ जाती है, उसके लिए हम के सी की जो वैल्यू है ना वो इस तरह से लिख देते हैं कि के सी जो है ना विल बी इक्वल टू ये एक्टिव मैस, यानी उसको हम अल्फा से लिख रहे हैं, ये एक्टिव मैस ऑफ सी प्रोडक्ट और उसकी पावर सी हो जाएगा, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विद द एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट डी और उसकी पावर जो है वो डी हो जाएगी, इसी तरह एक्टिव मैस ऑफ द जो है ना वो ए और उसकी पावर ए हो जाएगी, ठीक है, इनटू एक्टिव मैस ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है ना वो बी और उसकी पावर भी बी हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट तरह से यानी कि कांस्टेंट केस या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ गई इन द फॉर्म ऑफ द एक्टिव मैस। अब अल्फा क्या चीज़ है, जो एक्टिव मैस है इसको हम यूँ लिखते होते हैं कि अल्फ़ा बेसिकली इज़ इक्वल टू गैमा मल्टीप्लाइड बाई, वो क्या होता है जनाब यहाँ पर है एक्सपेक्टेड कंसनट्रेशन, यानी कि एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन, ठीक है, किसकी ऑफ 100% डिसोसिएशन, ऑफ 100%, ठीक है, डिसोसिएशन डिसोसिएशन
ऑफ 100% एसोसिएशन, ठीक हो गया। यानी कोई चीज़ जब 100% डिसोसिएट करेगी तो उसके लिए हम कितनी, यानी 100% एक्सपेक्टेशन जो डिसोसिएशन होगी वो, और मल्टीप्लाइड बाई ये गैमा। अब गैमा क्या चीज़ है भाई? गैमा इज़ द एक्टिविटी कोफिशेंट, ठीक है ना। यानी कि गैमा एक्टिविटी कोफिशेंट से क्या मुराद है, अगर हायर होगी कंसनट्रेशन, ठीक है, तो लाजमी बात है उसके अंदर गैमा की वैल्यू भी हाई होगी। और अगर ये कंसनट्रेशन जो है ना, वो कंसनट्रेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखते थे, अगर वो कम होगी तो ये भी कम होगी गैमा की वैल्यू। तो यहाँ तक हमारा लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है वो कम्प्लीट होता है। तो नेक्स्ट डे जो है हम स्टडी आउट करेंगे कि लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है ना, इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के सी का जो रिलेशन होता है विद द डिफरेंट अदर कॉन्स्टेंट्स के साथ, ठीक है, वो कैसे होता है, उसको वन बाई वन स्टडी आउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ठीक है, प्लीज़ वो कमेंट में भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।